आज के वीडियो में मैं एक बहुत ही जरूरी बात डिस्कस करूंगी जो जॉब अप्लाई करते वक्त बहुत ही जरूरी है, वो है कवर लेटर। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है किसी जॉब पर अप्लाई करने के बाद वहां से ये रिप्लाई आता है, प्लीज सेंड योर रेज्यूमे अलोंग विद द कवर लेटर। अब रेज्यूमे क्या होता है ये हमें पता होता है, अब पर ये कवर लेटर क्या है और इसे लिखते कैसे हैं ये कैसे पता चले, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज अ कवर लेटर, व्हाई इज अ कवर लेटर इम्पॉर्टेंट, हाउ टू राइट अ कवर लेटर, सैंपल कवर लेटर फॉर फ्रेशर्स। अब इतना कुछ सीखने को मिलेगा तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और सब्सक्राइब भी कर लेना, जैसे कि आगे से जो भी ऐसी वीडियोज आए वो आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। What is a cover letter? A cover letter is a one-page document that you send along with your resume when applying for a job. Its primary purpose is to introduce yourself, to highlight your skills and experiences, and to explain why you are a good fit for the position. Companies cover letter kyun mangti hain? To get to know you better, to see if you are really interested, to understand if you are a good fit for the job, to check your communication skills and to learn about your long-term goals. Cover letter से company को ये समझ आता है कि आपकी skills, experience और interest इस job के लिए सही हैं या नहीं और आप company के साथ कितना लंबा रहोगे। हाँ, आपको cover letter लिखना बहुत मुश्किल काम लग सकता है पर यह बहुत जरूरी है to make a strong impression and to increase your chances of getting the job. अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, क्या सच में एक अच्छा कवर लेटर लिखने से जॉब मिलने की चांसेस इंक्रीज हो जाती है? तो बिल्कुल हाँ, इससे रिक्रूटर को आपका एफर्ट दिखता है कि आपने बस मास एप्लीकेशन नहीं भेजी है अप्लाई 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 बटन दबाकर, बल्कि आपने उस स्पेसिफिक पोजीशन में सच में इंटरेस्ट जताया है, इसलिए तो ये कवर लेटर आपने लिखा है। चलिए अब देखते हैं कि कवर लेटर को लिखते कैसे हैं। यूजली कवर लेटर फॉर्मेट में 3 पैराग्राफ्स होते हैं, एन ओपनिंग पैराग्राफ जो बताता है कि व्हाई यू आर इंटरेस्टेड इन द पोजीशन, अ बॉडी पैराग्राफ जो आपके अब तक की प्रोफेशनल बैकग्राउंड को बताता है कि कैसे आपका एक्सपीरियंस एंड स्किल्स इस जॉब रोल के लिए रिलेवेंट हैं, एंड फाइनली अ क्लोजिंग स्टेटमेंट जो बताता है कि आप कैसे और कैंडिडेट से अलग हैं और ये नौकरी आपको क्यों मिलनी चाहिए। चलिए अब हम इसको समझते हैं इस सैंपल कवर लेटर के थ्रू जो कि एक जॉब एप्लीकेशन पर अप्लाई करने के लिए लिखा गया है। तो आप इस ईमेल में देखेंगे कि फर्स्ट पार्ट है सैल्यूटेशन का, इट इज इम्पॉर्टेंट दैट द कवर लेटर इज एड्रेस करेक्टली। तो आप जॉब डिस्क्रिप्शन में हायरिंग मैनेजर का नाम देखिए और उस अकॉर्डिंगली उन्हें एड्रेस कीजिए। उसे जेनरिक बिल्कुल मत रखिए, जैसे कि टू हूम इट मे कंसर्न। कस्टमाइज करिए अपने सैल्यूटेशन को, जैसे हु व्हाट टीम और डिपार्टमेंट यू आर अप्लाइंग टू। यू कैन ऑल्सो ट्राई राइटिंग लाइक डियर अकाउंटिंग टीम और डियर हायरिंग मैनेजर। देन कम्स द ओपनिंग पैराग्राफ। इस पैराग्राफ में आप उन्हें बताइए कि आप कौन हैं और आप जॉब के लिए अप्लाई क्यों कर रहे हैं। आपको इस पैराग्राफ में इन बातों का ध्यान रखना है, आपको हायरिंग मैनेजर का अटेंशन ग्रैब करना है, अपना प्रॉपर सेल्फ इंट्रोडक्शन देना है, आपको वो पोजीशन का नाम मेंशन करना है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, और आपको ये बताना है कि आपको इस जॉब के बारे में कहां से पता लगा। अब ये पैराग्राफ है मिडल या फिर बॉडी पैराग्राफ। एक या दो लाइन में आप ये एक्सप्लेन करो जो आपकी स्किल्स और एक्सपीरियंस है वो इस न्यू जॉब में जो आप अप्लाई कर रहे हैं उससे कैसे रिलेवेंट है। यहाँ स्पेसिफिक एकम्प्लिशमेंट्स पर फोकस करें जो दिखाएगा कि आप इस पोजीशन के लिए कैसे परफेक्ट हैं। अब ये पैराग्राफ को हम कहेंगे एंड पैराग्राफ। इस पैराग्राफ में आप एम्प्लॉयर को उनके समय के लिए धन्यवाद दें और ये बताएं कि आप हायरिंग प्रोसेस के नेक्स्ट स्टेप्स के बारे में जानने में इंटरेस्टेड हैं। आप यहाँ अपनी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री में अगर आपका कोई गैप है तो वो एक्सप्लेन कर सकते हैं या ये हाईलाइट कर सकते हैं कि आप इस रोल के लिए क्यों परफेक्ट है। ये लाइन से वो आपको और कैंडिडेट से अलग दिखाएगा। लास्ट है क्लोजिंग पैराग्राफ। इसमें आप सिंसियरली, रिगार्ड्स या बेस्ट का यूज करेंगे फॉलोड बाई योर फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम।
इसके अलावा आप थैंक यू और थैंक यू फॉर योर कंसिडरेशन भी लिख सकते हैं। कैजुअल स्टेटमेंट्स बिल्कुल नहीं देने हैं, जैसे कि चीयर्स, वार्म रिगार्ड्स, थैंक्स सर्टन, ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं लिखना है। तो बस कवर लेटर के लिए इतना ही। आप इस वीडियो को सेव जरूर कर लें, जैसे कि आप जब भी कवर लेटर लिखें तो आप इस वीडियो को आसानी से, आपको ये वीडियो मिल जाए और आप इस वीडियो को रेफर कर पाएं। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी ही जरूरी करियर टिप्स हम देते रहेंगे जिससे आपको जॉब लगने में आपको मदद मिलेगी। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी सवाल हो कवर लेटर रिलेटेड तो हमें कॉमेंट्स में जरूर बताइए, हम उनका रिप्लाई करेंगे। टिल देन ऑल द बेस्ट।